गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने गियर एंड गियर जो उनके न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल जो कुछ सही तरह की आपके बुक में न्यूमेरिकल थे वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम फ्लाईव्हील की बात करेंगे, फ्लाईव्हील के न्यूमेरिकल को देखेंगे। ठीक है, बारी बारी कम से कम हर एक फ्लाईव्हील का, जितने भी तरीके के फ्लाईव्हील हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे बॉड गवर्नर, पोर्टल गवर्नर, पॉरल गवर्नर और हार्टनेल गवर्नर, उन सब के कम से कम एक एक एटलीस्ट एक अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वॉट गवर्नर से। तो ये सबको पता है वॉट गवर्नर, वॉट गवर्नर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, हमको ये भी पता है उसके लिए जो हाइट होती है, हाइट क्या होती है, ये कह ले एन स्क्वायर क्या होता है, 895 अपॉन एच। ठीक, ये हमारा वॉट गवर्नर के लिए होता है, ये सब सबसे पता है। और ये भी आपको पता है कि ये जो है वो अबव 60 आरपीएम यूज़ नहीं होता, बिलो 60 आरपीएम होता है, एक तरह से ये कह लीजिए इसका एप्लीकेशन बहुत कम। ठीक, तो इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, एक ही एग्जांपल है इसमें, ये एक देख लेते हैं। कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ अ वॉट गवर्नर व्हेन इट रोटेट्स एट 60 आरपीएम एंड आल्सो फाइंड द चेंज इन वर्टिकल हाइट व्हेन इट स्पीड इंक्रीजेस टू 61 आरपीएम। तो हाइट हमें पता है क्या है, 895 अपॉन एन होता है, एन हमें दे रखा है 895 अपॉन 60 का होल स्क्वायर। ठीक, जब हम इसको करेंगे तो 0.248 आएगा, तो इसकी तो H1 आ जाएगी, ये 60 आरपीएम पे ये कितना है। अब ये हमसे कह रहा है ऑल्सो फाइंड ए चेंज इन वर्टिकल हाइट वेयर जब उसकी स्पीड इंक्रीज होती है 61 आरपीएम पे, तो हमें H2 निकालना होगा 895 अपॉन यहाँ पे 61 आरपीएम पे हमें निकालना होगा। तो यहाँ से हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, पहले वाले के केस में 0.248 आएगी, इसमें 2.024 आएगी। तो H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा, 0.248 माइनस 0.24 मतलब 0.008 मीटर चेंज इन हाइट, या ये कह लें 8 mm का हाइट में चेंज आता है, चेंज इन हाइट जब उसकी स्पीड 60 से 61 आरपीएम में जाती है। ठीक है, बस तो वॉट गवर्नर तो सिंपल सा है, क्योंकि उसके फॉर्मूले भी धीरे मतलब सिंपल ही हैं, डायरेक्ट उसके फॉर्मूले में रखना है और वैल्यू हमें निकल जाएगी। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे पोर्टल गवर्नर। पोर्टल गवर्नर में हमको पता है कि ये बस वॉट गवर्नर से सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, डेड वेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और दो मेथड है, एक तो फोर्स मेथड है, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के थ्रू, एक इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि इन एन इंजन गवर्नर ऑफ द पोर्टल टाइप द अपर एंड लोअर आर्म्स आर 200 mm एंड 250 mm एंड पाइवेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द सेंट्रल मास, द मास ऑफ द सेंट्रल लोड इज 15 kg एंड मास ऑफ ईच बॉल इज 2 kg। फ्रिक्शन ऑफ द स्लिप टुगेदर विद द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपरेटिंग गियर इज इक्वल टू 25 न्यूटन एट द स्लिप। इफ द लिमिटिंग इंक्लिनेशन ऑफ द अपर आर्म्स टू द वर्टिकल आर 30 degree एंड 40 degree, द लिमिटिंग इंक्लिनेशन ऑफ द अपर आर्म टू द वर्टिकल्स आर 30 degree एंड 40 fine टेकिंग फ्रिक्शन इन रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर, रेंज ऑफ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो इसमें सबसे पहले दे रहा है कि अपर आर्म की जो लेंथ है वो तुम्हारा 200 mm है,
लोअर आर्म तुम्हारा 250 mm है, ठीक। ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद क्या रखा है, मास ऑफ कैपिटल एम कितना है 15 kg, स्मॉल एम कितना है 2 kg, ठीक। और क्या दे रखा है, जो फ्रिक्शन है, हमें जो फ्रिक्शन लेना है वो 25 newton है, ठीक। और ये कह रहा है कि यहाँ पे ये देखो सबसे आखिरी लाइन, इफ द, यहाँ से, इफ द लिमिटिंग इंक्लिनेशन ऑफ द अपर आर्म टू द वर्टिकल आर 30° and 40°, ठीक। लिमिटिंग लिख लें, मतलब अगर ये एक्सिस है तो उसकी लिमिटिंग, मतलब वो मैक्सिमम इसके, उसका जो रेंज है अपर आर्म का एक्सिस से जो रेंज है वो 25° से 40° तक जाएगा, ठीक। इसी पे हमें, इसी 25° पे और इसी 40° पे हमें दो RPM की वैल्यू निकालनी हो, वही हमारा रेंज हो जाएगा। मतलब इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो एक केस में तो ये इस तरीके से बन जाएगा, जहाँ पे ये 25° बता रहा हो, ये हमें पता है कि 200 mm है, ये हमें पता है कि 250 mm है, और दूसरे केस में ये 40° बन जाएगा। आई मीन दोनों के केस में हमें R1, अरे ω1 और ω2 निकालना है, बस यही हमें निकालना है। तो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द गवर्नर, लेट अस फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ गवर्नर। द मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ गवर्नर इज शोन इन फिगर दिस। ये देखो, यही चीज़ है ना। अब यहाँ पे देखो, एक केस में 30 डिग्री इसने लिया है, अच्छा 30 या 45 degree, दूसरे केस में 45 degree, ठीक। दोनों के केस में बाकी सारी चीज़ें सारी की सारी सेम है, ठीक, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक। अब तो यहाँ देखोगे कि वी N1 क्या है मैक्सिमम स्पीड, N2 क्या है मिनिमम स्पीड, N2 मैक्स, मिनिमम किस पे मिलेगा इस पे, मैक्सिमम किस पे मिलेगा इस पे, ठीक है। R1 क्या हो गया, R1 जो मिनिमम रेडियस ऑफ गैरेश रोटेशन है, ठीक है, इसके केस में ये R1 है, ठीक। R1 क्या हो जाएगा, हमें ये डिस्टेंस पता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। हमें 200 mm पता है, ये एंगल थीटा हमें पता है, तो हम ये डिस्टेंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ये 90° है तो, ठीक। वही इसने निकाला है कितना रहा है 0.1 meter, ठीक है। उसी तरह हाइट ऑफ गवर्नर cos 30° से 0.1732 meter, ठीक। हाइट ऑफ गवर्नर जब मिल गया, हमें DG चाहिए। DG क्या है जी, DG क्या है, DG हमारा क्या है 0.23, हमें बीटा मिल गया, क्योंकि अल्फ़ा आखिरी में उसमें क्या था 10 beta, क्योंकि इस केस में क्या है, हमारा अल्फ़ा और बीटा डिफरेंट है, ये कहीं लिखा नहीं है कि सेम है, तो 10 beta upon 10 alpha is equal to k या q जो भी कह लो, हमें इसकी रेशियो चाहिए होगी, तो हम 10 beta यहाँ से निकाल लेंगे। 10 alpha हमें पता है कि 30° है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0.753, ठीक 0.753 क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है, वी नो डैट व्हेन द स्लीव मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है, व्हेन द स्लीव मूव डाउनवर्ड द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपवर्ड एंड द मिनिमम स्पीड इज गिवन बाय। मिनिमम स्पीड कब होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू पे है ना, तो यहाँ पे देखो mg प्लस माइनस f, जब mg, देखो n क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर क्या है mg प्लस माइनस, बाकी सारी इसका वैल्यू देखोगे, ठीक है, तो वैल्यू कांस्टेंट होगी। और सिंस कि 30° पे इसकी लिमिटिंग है, तो उस केस में ये नीचे होगा, और उससे ज़्यादा हम जैसे ही एंगल इंक्रीज़ करेंगे, स्पीड जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे, ऊपर की ओर भागेंगे, तो फ्रिक्शन किधर की डायरेक्शन में मूव करेगा, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक। तो यहाँ से क्या है, फ्रिक्शन फोर्स mg नीचे एक्ट कर रहा है, स्लीव्स मूव डाउनवर्ड कर रहा है, स्लीव्स की जो मोशन है डाउनवर्ड हो रहा है, और mg क्या है, mg फोर्स भी नीचे हो रहा है, फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, ऊपर की ओर एक्ट करेगा। मिनिमम स्पीड इज़ गिवन बाई, तो जब हम यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला रखेंगे तो हमारा आएगा n1 की वैल्यू n1 इज इक्वल टू 183.3 rpm, mg प्लस
एम जी माइनस एफ एम जी प्लस एम जी माइनस एफ डिवाइडेड बाई बाई टू है, यहाँ टू आएगा, डिवाइड बाई टू एम जी टू वन प्लस क्यू, यही तुम्हारा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा है। ठीक, ये वैल्यू जब पुट करेंगे इसमें सारी वैल्यू, तो हमें एन वन की वैल्यू कितनी आ रही है, 183.3 आरपीएम, 183.3 आरपीएम। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम की बात करना है। मैक्सिमम के लिए हम ये कंसीडर करेंगे, यहाँ से भी हमने आर टू निकाला, फिर एस टू निकाला, फिर टेन बीटा टू, टेन बीटा टू, यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू की वैल्यू 0.0703, हमें यहाँ से क्यू की वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमें यहाँ से क्यू की वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आगे चलते हैं। वी नो डैट, अब यहाँ पे इस केस में क्या है, स्लीप हमारा, जब इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्लीप हमारा क्या है, ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, नीचे की ओर एक्ट करेगा, और एम जी फोर्स क्या है, वो भी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। इस केस में एम जी प्लस, यहाँ कैपिटल एम, कैपिटल एम होगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी प्लस, एम जी प्लस एफ बाई टू अपॉन एम जी, ये टू इसमें मैंने नहीं लिखा है, इन टू वन प्लस क्यू, क्यू टू लिख दो इसको। ठीक, दूसरे सिचुएशन में, ठीक, इंटू 895, हाँ वो तो आखिरी में होता है, ए पॉन एस टू, जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो एन टू की वैल्यू कितनी आ गई, एन टू की वैल्यू क्या, 222 आरपीएम, 222 आरपीएम। ठीक, अब हमें इससे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, टेक फ्रिक्शन टेकिंग ओवर रेंज ऑफ स्पीड, हमसे पूछ रहा है रेंज ऑफ स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, रेंज ऑफ स्पीड, जब हमें एन वन और एन टू दोनों मिल गए, ठीक है, एन वन भी हमें मिल गया है और एन टू भी मिल गया, तो रेंज ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, एन टू माइनस एन वन, ठीक, इसको टू क्या होगा, 222 माइनस 183.3, तो जो भी आएगा 38.7 आरपीएम, ये हमारा हो जाएगा रेंज ऑफ स्पीड, रेंज ऑफ स्पीड। ठीक, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे देखो दोनों के दोनों, यहाँ पे क्या है कि हमारा जो क्यू है, जैसे आमतौर पे क्या होता है कि दोनों आर्म के लेंथ सेम होने पे जो एंगल फॉर्म होता है, जो एंगल फॉर्म होता है वो इक्वल होता है दोनों तक, अल्फा और बीटा जो एंगल फॉर्म होते हैं इक्वल होते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, एंगल यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, अभी हमें एक ऑफसेट का भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द आर्म्स ऑफ पॉटर गवर्नर आर 300 mm, मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों जो आर्म है, अपर आर्म लोअर आर्म, दोनों की जो लेंथ है वो 300 mm है। द अपर आर्म आर पाइवोटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द लोअर आर्म आर अटैच टू अ स्लिप एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये कह रहा है कि अपर आर्म जो है वो तो पाइवोटेड एक्सिस ऑफ रोटेशन से, लेकिन लोअर आर्म जो है वो स्लीव से कनेक्टेड है, जो कि 40 mm है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 40 mm है। तो इससे होगा क्या, हमें इस ऐसे चेक करना होगा, तो ये जो एंगल है बीटा, ये चेंज हो जाएगा, अल्फा के इक्वल नहीं होगा। ठीक, बस फर्क यही आएगा, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन द मास ऑफ द लोड ऑन द स्लीव इज 70 kg, कैपिटल एम कितनी है, 70 kg, एंड द मास ऑफ ईच बॉल 10 kg। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, इक्विलिब्रियम स्पीड व्हेन द रेडियस ऑफ रोटेशन इज 3 mm,
तो आर की वैल्यू 200 mm पे है, हमें इस एन फाइंड करना है। और दूसरी चीज़, इफ़ द फ्रिक्शन इज इक्वलेंट टू अ लोड ऑफ 20 न्यूटन एट द स्लिप, व्हाट विल द रेंज ऑफ स्पीड फॉर दिस पोजीशन, व्हाट विल द रेंज ऑफ स्पीड। चलो ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है कि जो इस पे इक्विलिब्रियम आर की वैल्यू जब 200 mm है, तो उस केस में हमें इक्विलिब्रियम स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा, बीटा और एच निकालना होगा। ठीक, तो अब देखो एच क्या है, हमें ये दे रखा है 300 mm में। ठीक, और रेडियस हमें आर इक्वल टू दे रखा है 200 mm। तो सीन्स की राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, एच की वैल्यू कितनी आएगी, 0.224 meter, या ये कह सकते हैं 224 mm। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें इसके बारे में बीटा की वैल्यू कैलकुलेट, अल्फ़ा की वैल्यू तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगी क्योंकि सारी डाटा दिए हैं। अब हमें बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। बीएफ हमें निकालना होगा, बीएफ कितना होगा, आर इक्वल टू 200 - 40, 160 mm हमें आर हो गया। ठीक, 160 mm हमें आर मिल गया। जब ये डिस्टेंस पता चल गया, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है और ये हमें चाहिए क्योंकि ये हमें चाहिए। तो DF की वैल्यू क्या हो जाएगी, DF कितनी होगी, 254 mm। कैसे क्या, DB माइनस, हमें ये डिस्टेंस पता है, ये पता है, तो ये भी पता चल जाएगी DB माइनस। ठीक, यहाँ से हमने 10 अल्फा निकाल लिया, 10 बीटा निकाल लिया, वहाँ से हमें 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा निकल जाएगा। ये कितनी है इसकी वैल्यू, 0.705। ठीक, 0.705। अब जब हमें क्यू की वैल्यू निकल गई, क्योंकि सारी वैल्यूज फाइंड हो गई, अब हमें स्मॉल एम भी पता हुआ है, कैपिटल एम भी पता है, क्यू भी पता है और हाइट भी पता है। ये सारी चीज़ें जब हमें पता चल गई तो हम फॉर्मूले में रख देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, N2 की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम स्पीड है एट 200 rpm पे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 167 rpm। N2 हमारा कितना आ जाएगा, 167 rpm। ठीक है, N2 हमारा कितना आ जाएगा, 167 rpm। 167 N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 167 rpm। ठीक, अब हमें ये तो पहले केस का आ सके, अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम स्पीड व्हेन द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल इज 200 mm। ये तो हो गया, और इफ फ्रिक्शन इज इक्विवेलेंट टू अ लोड ऑफ 20 न्यूटन, तो व्हाट विल द रेंज ऑफ स्पीड फॉर दिस पोजीशन। अब हमें फ्रिक्शन को भी कंसीडर करना है, रेंज ऑफ स्पीड व्हेन फ्रिक्शन इज इक्विवेलेंट टू 20 न्यूटन। ठीक, तो अब ये बताओ, वी नो डैट व्हेन द स्लिप मूव्स डाउनवर्ड द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपवर्ड एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड इज गिवन बाय N1। N1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस एफ एम जी, N1 क्या आ जाएगा, mg प्लस mg माइनस एफ, एक तो ये आएगा और मैक्सिमम के लिए ये आ जाएगा, दोनों इक्वेशन आ जाएंगे, माइनस एफ बाई 2 अपॉन mg इंटू 1 प्लस q। ठीक, इस तरीके से
एक पार्ट आ जाएगा N1 आ जाएगा, N1 कितना है 164.8 RPM, ठीक। फिर N2 की बात आती है, N2 हमारा कितना है यार, इसी जब MG plus F करेंगे तो हमारा N2 आ जाएगा। N2 की वैल्यू कैसी आ जाएगी, N2 बराबर MG प्लस कैपिटल M प्लस F बाय 2 इंटू जी, नहीं जी नहीं, 1 प्लस Q इंटू ये अपॉन MG रहेगा नीचे इंटू 895 अपॉन H। हाइट तो दोनों के केस में सेम होगा, 0.2, 0.224, हाइट क्या होगा दोनों के केस में सेम होगा, क्योंकि वो ऊपर वाली हाइट की बात कर रहा है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 169 RPM। तो रेंज ऑफ स्पीड हम क्या कह सकते हैं, N2 माइनस N1 बराबर 169 माइनस 164.8, ठीक। तो यहाँ से मेरी रेंज ऑफ स्पीड 4.2 RPM आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से मेरी रेंज ऑफ स्पीड 4.2 RPM आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा पोर्टर गवर्नर के हमने 2 न्यूमेरिकल लगा लिए और इससे ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल इसमें नहीं आएंगे। अब हम अगला देखेंगे पोरल जिसमें एक्सटेंशन भी आ जाता है। ठीक है, ये हमारा पोरल गवर्नर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है कि एक गवर्नर है। अब क्या कह रहा है कि अ गवर्नर ऑफ पोरल टाइप हैज ईच आर्म ऑफ 25 mm, मतलब अपर एंड लोअर आर्म दोनों के दोनों 250 mm के हैं, द पाइवोट ऑफ द अपर एंड लोअर आर्म आर 25 mm फॉर द एक्सिस, मतलब अगर ये एक्सिस है तो उनका जो जहाँ से वो कनेक्टेड है, पाइवोट जहाँ पे है, जहाँ फंसाए गए हैं, वो 25 mm फ्रॉम द एक्सिस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 25 mm है, ठीक। द सेंट्रल लोड एक्टिंग ऑन द स्लीव हैज़ अ मास ऑफ 25 kg, कैपिटल एम कितना है 25 kg, ये स्मॉल एम कितना है 3.2 kg। When the governor's sleeve is in mid position, the extension of the arm is vertical. Radius of path of rotation of masses, अब उस केस में 175 mm इसका रेडियस ऑफ रोटेशन है। और हाइट ऑफ वर्टिकल हाइट कितनी है, h की वैल्यू क्या दे रखी है 200 mm। और ये कहता है कि जब मिड पोजिशन में उसकी स्पीड n की वैल्यू 160 RPM है तो उसका लेंथ ऑफ एक्सटेंशन आर्म क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता है कि FM, GH और QG तीनों के तीनों सेम होंगे, ठीक। तो हम एन स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं, पोरल गवर्नर के लिए क्या होगा, BM अपॉन FM स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m 895 बाई H। बाकी 1+Q कहाँ गया, 1+Q/2 एक टर्म रह गया है, वो कहाँ गया। बेसिकली होता क्या है, सिंस कि इसके आर्म के लेंथ और हाइट सब सेम है तो अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये 2/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, BM मिल जाएगा। BM कितना हो गया 0.308,
0.308 BM हमें निकल गया, तो BM से हमें BF निकल जाएगा, BM माइनस FM, FM की वैल्यू हमें पता है 0.2 mm, तो ये क्या हो जाएगा 0.308 माइनस 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 0.108 mm, 0.108 mm या एमीटर या 108 mm, ठीक है। उसी तरह जब हम टेंशन की बात करेंगे, टेंशन ठीक है, हमें हमने टेंशन का फॉर्मूला पढ़ा था, T1 cos alpha is equal to mg plus mg by 2। इसने किया क्या है कि ये जो इस पर टेंशन लग रहा है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ऊपर जब हम देखेंगे तो सिर्फ T1 cos alpha रह जाएगा, और जो नीचे जो एक्ट कर रहा है वो mg स्मॉल mg वाला प्लस mg by 2, क्योंकि मैम हमने इस पर हाफ mg कंसिडर किया। ठीक, जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो T1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 192.5 newton, ठीक है। और cos alpha हम कैसे निकाल लेंगे इसमें, सिंस हमें ये लेंथ भी पता है, हमें ये लेंथ भी पता है, तो cos alpha क्या हो जाएगा, cos alpha is equal to 200 mm by 250 mm is equal to 0.8, ठीक है। cos alpha की वैल्यू 0.8 आ जाएगी, सीधे डायरेक्ट cos alpha की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है कि द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिफर टू अ पैरेलल गवर्नर विद ओपन आर्म्स, ठीक है। हमने एक चीज़ पढ़ा था, क्लोज्ड आर्म एंड ओपन आर्म्स, ठीक है। ओपन आर्म्स ठीक है, क्लोज्ड आर्म और ओपन क्रॉस आर्म और ओपन आर्म, ठीक है। क्रॉस आर्म कब होता है, जब ये इस तरीके से होता है, ठीक, इसको क्रॉस आर्म कहते हैं, ठीक है। ओपन आर्म क्या होता है, ठीक, लेंथ ऑफ ऑल आर्म्स 200 mm, डिस्टेंस ऑफ पाइवट ऑफ आर्म फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन 40 mm, लेंथ ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लोअर आर्म टू विच ईच बॉल इज अटैच्ड, ठीक है, वो 100 mm है। मास ऑफ ईच बॉल स्मॉल एम दे रखा है 6 kg, एंड मास ऑफ सेंट्रल लोड कैपिटल एम दे रखा है 150 kg। इफ द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल इज 180 mm, 180 mm अगर रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल है, ठीक, इफ द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल इज 180 mm, व्हेन द आर्म्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 40 degrees टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 40 degrees पे हैं, ठीक है, तो फाइंड द इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर अबव कॉन्फिगरेशन। हमें इक्विलिब्रियम स्पीड फाइंड आउट करनी है, हमें ये पता है अल्फा बीटा 40 degrees है, आर्म लेंथ क्या है 200 mm है, ठीक है, एक्सटेंशन आर्म कितना है 100 mm है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक। और जो ऑफसेट डिस्टेंस है, इसको हम ऑफसेट डिस्टेंस भी बोलते हैं, वो 40 mm है, ठीक, 40 mm है। तो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ गवर्नर एज शोन इन 18.15 वी फाइंड दैट पीएच, पीएच क्या है, ये डिस्टेंस, हमें ये हाइट पता चल जाएगी, पीएच क्या है, हाइट ऑफ गवर्नर इज इक्वल टू 0.1532 मीटर, ठीक, हमें ये पता है ना, जैसे ये 200 पता है, रेडियस ऑफ रोटेशन पता है बॉल, ठीक है, तो हमें ये पता है, ठीक है, तो पीएच बराबर पीएफ इंटू कॉस 40 degrees, तो हमें 0.1532 की आ जाएगा पीएच की वैल्यू। एफएच कितना है,
एफ एच कितना, जब ये दोनों डिस्टेंस आ जाएंगी तो हमें एफ एच भी आराम से मिल जाएगा, या साइन थीटा से डायरेक्ट निकाल सकते हैं 128.6 mm हमारा एफ एच है। और जी एफ कितना है, जी एफ क्या है उसकी डिस्टेंस, तो जी एफ कैसे निकल जाएगा, रेडियस ऑफ रोटेशन जी जी जे जी माइनस एफ जी, जे जी माइनस एच जी माइनस एफ एच बराबर 180 माइनस 40 माइनस 128.6। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा 11.4 mm। बीजे कितना है, बीजे जब हमें ये हाइट पता है एक्सटेंशन आर 100 mm दे रखा है, ठीक है, और ये हमें डिस्टेंस, ये एक्सटेंशन आर्म दे रखा है, ये डिस्टेंस हमें पता चल गया, तो ये डिस्टेंस बड़े आराम से पता चल जाएगी। ठीक है, तो बीजे कितने आ जाएगी 99.4 mm, हमें बीजे निकल गया। ठीक, जब बीजे निकल गया तो हमें बीएम पता चल जाएगा, बीएम इज़ टू बीजे प्लस जीएम, जीएम की हाइट हमें पता है, प्लस जीएम 99.4 152.6 हमारा आ जाएगा, तुम्हारा बी एम 252.6, क्योंकि पॉरल गवर्नल हमें इसकी हाइट चाहिए होती है। ठीक है, आई एम कितना है, आई एन माइनस एन एम इसकल टू 117/117.2। ठीक, और आई डी, आई डी कितना है, आई एन प्लस एन डी, ये तुम्हारा 257.2 आ जाएगा, 257.2 mm आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे, टेकिंग नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर, इंस्टेंटेनियस सेंटर सबको पता है यहाँ पे इसका। ठीक है, जिस तरह मैंने एग्जांपल में उस तरह जब इसकी एनालिसिस बता रहे थे उसमें जिस तरह से निकाला था उसी तरीके से ये भी निकालेगा, एफ सी इंटू बी एम, एफ सी इंटू बी एम इज इक्वल टू एम जी, ये इस डायरेक्शन में करेगा, इक्वल टू एम जी इंटू एफ आई एम प्लस एम जी बाई टू इंटू आई डी, एम जी बाई टू इंटू आई डी, वहाँ से एफ सी हमें निकल गया। ठीक, हमको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी क्या है, एफ सी क्या है, यहाँ से जब हम एफ सी निकल जाएगा तो ये चीज़ हमें ये आ जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 254 rpm, ऐसा हमारा 254 rpm हमारा आ जाएगा, इसका rpm आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट तरीके के पॉरल गवर्नर के भी न्यूमेरिकल देख लिए हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके के पॉरल गवर्नर के भी न्यूमेरिकल देख लिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हार्टनेल गवर्नर के बारे में। ये हमारा हार्टनेल गवर्नर, सारे इक्वेशंस हमें इसमें पता ही हैं। सबसे पहला ही एग्जांपल देख लेते हैं हार्टनेल गवर्नर का, जैसे ये है, अ हार्टनेल गवर्नर हैविंग अ सेंट्रल स्लीव स्प्रिंग एंड टू राइट हैंडेड बेल क्रैंक लीवर, राइट हैंडेड ये वाला जो लीवर होता है, मूव्स बिटवीन 290 rpm 310 rpm फॉर अ स्लीव लिफ्ट 15 mm। तो यहाँ देखो, एक तो तुम्हारा ये है पोजीशन, एक तुम्हारा ये पोजीशन है, द स्लीव आर वन द आर आर 80 mm 120 mm रेस्पेक्टिवली, द लीवर्स आर पाइवोटेड, द लीवर्स आर पाइवोटेड 120 mm फ्रॉम द गवर्नर एक्सिस एंड मास ऑफ ईच बॉल इज 2.5 kg एंड मास ऑफ ईच बॉल इज 2.5 kg, द बॉल आर्म्स आर पैरेलल टू द गवर्नर एक्सिस एट द लोएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड, टू फाइंड द लोड ऑन द स्प्रिंग एट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड एंड स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। तो सबसे पहले लोड ऑन द स्प्रिंग ऑन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड, एस लोड एट इक्विलिब्रियम स्पीड, एस टू क्या है, लोड एट हाईएस्ट,
या सबसे पहले हम ये नहीं करके उसके पहले बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है। इन ए स्प्रिंग लोडेड हार्टनेल गवर्नर द एक्सट्रीम रेडियाई ऑफ रोटेशन R1 80 mm दे रखा है, R2 दे रखा है एक्सट्रीम रेडियाई 120 mm। बॉल आर्म एंड स्लीव आर्म ऑफ द बॉल क्रिंग आर इक्वल इन लेंथ, ए बराबर बी दे रखा है। द मास ऑफ ईच बॉल m 2 kg। द स्पीड ऑफ टू एक्सट्रीम पोजिशन 400 एक्सट्रीम पोजिशन पे 400-420 RPM है। तो फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द सेंट्रल स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इनिशियल कंप्रेशन हमें ये पता है Fc1 क्या हो जाएगा, mr1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक उसी तरह Fc2 क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों पोजिशन की वो रेडियस दे रखा है, RPM दे रखा है। Fc2 mr2 ओमेगा स्क्वायर 2, ठीक। s1 s2, अब तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। mg यहाँ से s1 निकाल लेंगे, mg भी हमें पता है कैपिटल M, स्लीव 0 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम स्लीव की वैल्यू 0 लेंगे। सिंस स्लीव इज इक्वल टू 0 और x और y की वैल्यू सेम है, तो हम स्लीव की वैल्यू 0 ले लेंगे, ठीक। तो s1 बराबर क्या हो जाएगा, s1 बराबर हो जाएगा 2fc1 इंटू x/y। अब ये देर बोल रखा है कि दोनों के दोनों आर्म, बोथ आर्म्स आर इक्वल, बोथ आर्म इक्वल है, मतलब x=y। तो उस केस में हमें क्या कर, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, s1=2fc1, s1 की वैल्यू 2fc1 आ जाएगी, ठीक। उसी तरह s2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2fc2, ठीक। तो अब वी नो दैट लिफ्ट ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाएगा, लिफ्ट ऑफ द स्लीव क्या होगा, h बराबर r2 - r1 / y/x। और y बाई एक्स की वैल्यू 1 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, r2 - r1, ठीक। r2 - r1 कितना हो जाएगा, 40 mm इसकी स्लीव की हाइट हो जाएगी, मतलब कितना मूवमेंट कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे इसके दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के पोजीशन दे रखे हैं, वो उन दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच वो कितना मूवमेंट कर रहा है, स्लीव का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टिफनेस क्या हो जाएगा, एस बराबर कैपिटल एस, h2 - h1/h, ये हमारा स्टिफनेस होगा, ठीक है। इसकल टू 9.2 न्यूटन पर mm। अब वी नो डैट इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द सेंट्रल स्प्रिंग, इनिशियल s1 जब निकल जाएगा वो इसका इनिशियल कंप्रेशन है, और स्टिफनेस हमने निकाल लिया है, तो हमें इससे क्या मिल जाएगी, 56.2 upon 9.2 = 61 mm, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्प्रिंग कांस्टेंट, वी हैव कैलकुलेटेड अबव दैर स्प्रिंग कांस्टेंट, हमने पहले ही ऊपर निकाल लिया था, कैसे निकला था, यहाँ से एस बराबर स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स कितना लगा और अपॉन डिफ्लेसमेंट, तो ये हमारा कितना आया था, 9.2 न्यूटन पर mm, यहाँ से हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट निकल गया था, ठीक है, वो हमें पहले ही निकाल लिया था। तो इस तरीके से ये हमारा निकल गया हार्टनेल गवर्नर के लिए, हार्टनेल गवर्नर। हार्टनेल गवर्नर के लिए हो गया, ठीक है। अब हम आगे इसका एक और क्वेश्चन करेंगे।
अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इन स्प्रिंग लोडेड गवर्नर ऑफ द हार्टलैंड टाइप, हार्ट नल टाइप, द मास ऑफ ईच बॉल इज, मास कितना है 1 kg, लेंथ ऑफ वर्टिकल आर्म ऑफ द क्रैंक लीवर इज इतना, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आर्म का लेंथ क्या है 100 mm, और हॉरिजॉन्टल वाले का 50 mm, द डिस्टेंस ऑफ फल्क्रम ऑफ ईच बॉल क्रैंक लीवर इज 80 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द गवर्नर, एक्सट्रीम रेडियस ऑफ रोटेशन आर 75 mm है और 112.5 mm, द मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड इज 5% ग्रेटर देन द मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड विच इज 360। मतलब हमें ये एक तरह से पता है कि मैक्सिमम मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड क्या है। फाइंड नेगलेक्टिंग ऑब्लिगेटी ऑफ आर्म, इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग एंड इक्विलिब्रियम स्पीड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ 100 mm। ठीक है, तो देखो हमें ये पता है ओमेगा वन की वैल्यू कितनी है 360 rpm, और मैक्सिमम स्पीड कितनी है 5% ज़्यादा है, यानी कि 1.05 × 360, तो ये हमारा कितना आ रहा है 39.6 rads/s। यहाँ से FC1 हम निकल जाएगा m ओमेगा वन आर वन स्क्वायर, FC1 निकल जाएगा, FC2 निकल जाएगा, हमें दोनों चीज़ पता चल गई। इनिशियल कंप्रेशन हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इस इनिशियल कंप्रेशन S1 S2 फॉर्मूला फिर वो यूज़ करेंगे, हमें पता है X/2 कितना है 1/2, जीरो पॉइंट जीरो फाइव 2/1, यहाँ से हमें S2 निकल जाएगा, ठीक है, और S1 भी निकल जाएगा, सिर्फ सीधे ये mg प्लस S1 बराबर 2 FC1 × x/y। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जो पहले वाले जो पहला एक्सट्रीम पोजीशन है उस पर, और उसी तरह के S2 जब दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है उस पर हमारा S1 और S2 निकल जाएगा। ठीक, स्लीव हाइट की मूवमेंट क्या होगी, S2 - S1, या ये कह लें H की वैल्यू कितनी हो जाएगी R2 - R1 / y / x। ठीक, y अपॉन x करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 0.01875 meter। ठीक, ये हमारा हाइट आ जाएगा, और स्टिफनेस कितना आ जाएगा S2 - S1 / h। ठीक, तो इनिशियल जब हमें S1 पता चल गया, S1 पता है, S2 पता है, ठीक, और स्टिफनेस पता है, तो हमें स्टिफनेस भी पता है, तो हम क्या इनिशियल कंप्रेशन क्या हो जाएगा S1 / s, और फाइनल कंप्रेशन S2 / s। ठीक, यहाँ तक हमें ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम स्पीड कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेडियस ऑफ रोटेशन R = 100 mm, हमें इस केस में इक्विलिब्रियम स्पीड चाहिए। तो जब हमें ये एक चीज़ बताया थे कि एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, जैसे कि यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन हमारा क्या है, रेडियस 75 mm 112 mm, हमने एक चीज़ पढ़ाते समय भी बताया था कि जब भी हमें एक्सट्रीम पोजीशन पता हो, उसके बीच का कोई भी अगर हमें पूछ रहा हो, ठीक है, तो हम इस तरीके से निकालते हैं FC1 + FC2 - FC1 × R - R1 / R2 - R1। ठीक, ये हमारा है। ठीक, इस पे वैल्यू पुट करेंगे FC1 में, ये फॉर्मूला 153 न्यूटन आ जाएगा, 153 न्यूटन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आ जाएगा, 153 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, अब हमें और भी इसमें कुछ निकालना है क्या, इक्विलिब्रियम स्पीड निकाल लीजिए। ठीक है, 100, अब जब FC आ गया 153 न्यूटन, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे m ओमेगा स्क्वायर × r, r की वैल्यू 100 रख देंगे, एम m की वैल्यू तो पहले से कांस्टेंट है, वैल्यू 100 रखेंगे, तो यहाँ से हमारा n कितना आ जाएगा, ओमेगा कितना आएगा
हमें रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n स्क्वायर की वैल्यू 139090, और यहाँ से n जब अंडर रूट करेंगे तो 373 rpm आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे ये हार्टनेल गवर्नर का सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हार्टनेल गवर्नर में भी सिर्फ ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे हार्टनेल गवर्नर में भी। ठीक है, इसके भी दो न्यूमेरिकल होगा। ठीक, यहाँ पे हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक, ठीक है, ये पूरा ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, हार्टनेल गवर्नर पूरा ख़त्म हो जाता है। और इसमें कोई ऐसे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये तो हमारे सर्विस में ये आइसोक्रोनस स्टेबिलिटी, हाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी गवर्नर एफर्ट वगैरह निकालने के लिए, स्लीव हाइट, स्लीव मूवमेंट निकालने के लिए, गवर्नर एफर्ट निकालने के लिए ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, कुछ नहीं है, बस सारे फॉर्मूले को ही यूज़ करना है। ठीक है, सारे फॉर्मूले को ही यूज़ करना है, स्लीव मूवमेंट, गवर्नर एफर्ट, स्लीव हाइट, रेंज ऑफ स्पीड, फ्रिक्शन, उन्हीं सारे को यूज़ करके हमें निकालना है, रेंज ऑफ स्पीड निकल जाएगा। ठीक, सी एन वन बराबर एन टू माइनस एन वन, ये फ्रैक्शनल चेंज हमें कितना रिक्वायरमेंट है। फिर गवर्नर एफर्ट जी, ये सिर्फ पोर्टर गवर्नर के लिए होता है, हमें सिर्फ पोर्टर गवर्नर के लिए पढ़ना है। तो ये हमें जब फॉर्मूला पता है, बाकी सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ भी वही चीज़ है, पावर ऑफ गवर्नर, ये वाला फार्मूला, ये तुम्हारा पोर्टर गवर्नर के लिए है। हाँ, जब क्यू नॉट इक्वल टू वन होता है, जब क्यू इक्वल टू वन हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सी की वैल्यू बस रह जाएगी, तो फोर सी स्क्वायर वन प्लस सी आ जाएगा, यहाँ एम प्लस एम इंटू जी इंटू एच आ जाएगा, ये भी बताया था। ठीक है, जब क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन हो, नॉट इक्वल टू वन के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। ठीक, तो ये भी यहाँ से हो जाएगा। इसमें भी वही है, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम है ये। ठीक है, ये भी समझ में आ गया था कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्पीड लाइन क्या होती है, ये हार्टनेल गवर्नर के लिए है, या स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर कह लो, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर के लिए। ठीक, एफ सी बराबर ए आर प्लस बी, डिपेंड करेगा कि हमारा स्टेबल है अनस्टेबल है, कि आइसोक्रोनस उस पर डिपेंड करेगा। आइसोक्रोनस के लिए इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, एफ अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम पे कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस ये भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गवर्नर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी थे वो मैंने करा दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा गवर्नर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आगे हम गियर एंड गियर ट्रेन हो गया है, गवर्नर हो गया है, एंड गवर्नर हो गया है,
हो सकेगा तो मैं अब फ्लाईव्हील के फ्लाईव्हील के जो पावर प्रेस के जो न्यूमेरिकल है वो मैं करूँगा, पावर प्रेस के और एक और टर्निंग मोमेंट डायग्राम के भी न्यूमेरिकल हैं, वो तो बता दिया था। पावर प्रेस का न्यूमेरिकल समझाना बाकी रह गया है, ठीक है, वही एक चीज़ बाकी रह गई है, बाकी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो क्लास एंड करते हैं, थैंक यू।